एक ओर जहां शराबबंदी को लेकर विपक्ष से लेकर न्यायालय तक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फजीहत होते रहते हैं, वहीं जिन अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है, वहीं अधिकारी खुद सरकारी गाड़ी में शराब पीकर लुढ़क जाते हैं, जिसके बाद ड्राइवर किसी तरह सीओ साहब को गाड़ी के सीट के नीचे से उठाकर उन्हें उनके कमरे तक छोड़ते हैं। इस दौरान सीओ साहब अपनी पत्नी को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साहब गाड़ी के अलावा अपने बेडरूम में भी शराब की बॉटल रखे हुए हैं और शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आ रहे हैं। ये है अचलाधिकारी सीओ विनोद कुमार गुप्ता, मुंगेर जिले के टेटिया बम्पर प्रखंड में पदस्थापित हैं। सीओ साहब के कारनामे के कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें सीओ साहब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन चुकी शराबबंदी के फैसले को ही मिट्टी पलित करते हुए दिख रहे हैं। सीओ साहब कभी ड्यूटी के दौरान सरकारी गाड़ियों को अपना मैखाना बना देते हैं तो कभी अपने घर के बेडरूम को ही। सीओ साहब शराब पीते ही अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं तो कभी शराब के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि अपनी सीट से नीचे लुढ़क जाते हैं। ड्राइवर किसी तरह सीओ साहब को सीट के नीचे से निकालकर सीट पर बिठाता है, लेकिन सीओ साहब शराब के नशे में इतने मदहोश रहते हैं कि उन्हें इस बात का आभास ही नहीं रहता है कि हम अधिकारी हैं या पियक्कड़। ड्राइवर किसी तरह सीओ साहब को उनकी आवाज तक लेकर जाता है, लेकिन घर पहुंचते ही सीओ साहब अपनी पत्नी को लेकर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। सीओ साहब घर में दाखिल होते अपने कपड़े खोलकर नंगे बदन कभी घूमने लगते हैं तो कभी अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं तो कभी अपनी सास को ही फोन पर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। सीओ साहब जब ड्रामे से थक जाते हैं तो खिड़की पर रखे शराब की दो बोतल में से शराब के पैक बनाते हैं, फिर बेसुध होकर पलंग पर सो जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले में सीओ विनोद कुमार गुप्ता से फोन पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये तो नहीं बता सकते ये सब किसने किया, रही बात तो ये सब गलत है, ये हमको फंसाने की कोई साजिश कर रहा है, आपके रूम में शराब रखी हुई है, आप सो रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि कैसे कहें, महिला नहीं वो मेरी पत्नी है, मारपीट नहीं कर रहे हैं उसको, बोले जाओ तुम अपना काम देखो, नशे में वो हम सब नहीं किए हैं, कुछ पारिवारिक कारण थे हम लोगों के, छोटे भाई से विवाद चल रहा है उसी मामले में वो बोल रही थी, इसी कारण से यह विवाद हुआ, ये वीडियो बहुत पहले का होगा। बात कर, चलिए सर, इधर को रहे रखे अब चलिए को नहीं रखेंगे अपना घर में, तुम मार इधर को नहीं रखेंगे। हां सर, खत्म है सर, चलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।